अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम कॉल और कर्नल के बारे में पढ़ा था। आज हम सिस्टम प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम प्रोग्राम माउस क्लिक के साथ काम करते हैं, मतलब आपने माउस क्लिक किया कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या मूव करने के लिए। सिस्टम प्रोग्राम को सिस्टम यूटिलिटी भी कहते हैं। सिस्टम प्रोग्राम एनवायरनमेंट बनाने में काम आता है ताकि प्रोग्राम डिवेलप हो सके और एग्जीक्यूट भी हो सके। इनमें से कुछ सिस्टम कॉल पर यूजर इंटरफेस है, दूसरे जो है वो कॉम्प्लेक्स है। सिस्टम प्रोग्राम की 8 कैटेगरी है: फाइल मैनेजमेंट, स्टेटस इंफॉर्मेशन, फाइल मॉडिफिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम लोड एंड एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशन, बैकग्राउंड सर्विस, एप्लीकेशन प्रोग्राम। फर्स्ट कैटेगरी इज फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो प्रोग्राम को क्रिएट करे, डिलीट करे, कॉपी करे, रीनेम करे, प्रिंट करे, डंप करे, लिस्ट डाउन करे, ये सारे काम फाइल मैनेजमेंट के होते हैं और वो माउस क्लिक के थ्रू करता है। स्टेटस इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन दी जाती है, डेट की, टाइम की, मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है, डिस्क स्पेस की, और नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, डिटेल परफॉर्मेंस की, लॉगिंग की, डिबगिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेटस इंफॉर्मेशन में दी जाती है। फाइल मॉडिफिकेशन। फाइल मॉडिफिकेशन में टेक्स्ट एडिटर से फाइल को चेंज किया जाता है, क्रिएट किया जा सकता है, मॉडिफाई कर सकते हैं फाइल को, बेशक वो डिस्क में है या टेप में, आप फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। सिस्टम प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट है जिसमें कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर एंड इंटरप्रेटर चाहिए होता है। प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को लोड और एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास लोडर्स, रीलोकेटेबल लोडर्स, लिंकेज एडिटर, ओवरले लोडर चाहिए होता है और डिबगिंग सिस्टम भी चाहिए होता है। सो ऑल टाइप ऑफ लोडर्स, लिंकर्स एंड डिबगर आर रिक्वायर्ड इन प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है प्रोसेस, यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान। प्रोग्राम अलाउ करता है सेंड मैसेज करना टू अनदर स्क्रीन, ब्राउज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ये सब कम्युनिकेशन में आते हैं। ईमेल करके भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो। ईमेल क्या है, कनेक्शन प्रोवाइड करती है एक यूजर से दूसरे यूजर के दरमियान। बैकग्राउंड सर्विसेज। लॉन्च एट बूट टाइम एंड शट डाउन। बूट टाइम वो होता है जब आपकी डिवाइस ऑन होती है और वो ऑपरेट करने के लिए तैयार होती है, और शट डाउन टाइम वो है जब आपका पीसी पूरी तरह से ऑफ होता है, तो हम उसको शट डाउन टाइम कहते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो आपके सिस्टम से बिलोंग नहीं करता है, इनको रन यूजर करता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट भी नहीं होते, और ये लॉन्च कमांड लाइन, माउस क्लिक, फिंगर पोक पे होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम में ईमेल आ जाता है, गेम आ जाता है, वेब ब्राउजर, वेब प्रोसेसर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन वाला टॉपिक मैंने स्किप किया है क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है और वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक चूज किया ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, हम उसको आज स्टडी कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं पिछला टॉपिक जो स्किप किया उसको कवर कर दूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। फायर स्प्रिंकल आर जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल होता है। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या रियल टाइम सॉफ्टवेयर, और इसका तीसरा नाम है ऑब्जेक्टिव सिस्टम, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम इजी होता है, डिजाइन करना भी इजी होता है, बट जो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है उनको डिजाइन करना भी मुश्किल होता है और वो लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब लार्ज प्रोग्राम होते हैं, बिकॉज आप उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोवाइड करते हो। आपको नहीं पता कि जो आपका यूजर है वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, किस लैंग्वेज में सर्च करना चाहता है, इसलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए उसका सॉफ्टवेयर भी जनरल पर्पज होता है। एग्जाम्पल है एटीएम मशीन में कंप्यूटर होता है, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। अब एटीएम में जीमेल ओपन नहीं हो सकती, मूवी नहीं हम देख सकते, बिकॉज इट इज नॉट डिजाइन लाइक दैट। कंप्यूटर होता है बट उसका पर्पज स्पेसिफिक होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच। एडवांटेजेस, सिंपल टू डिवेलप, इजी टू मेंटेन। अगर बिग टास्क होगा तो इट विल टेक मच टाइम, एफर्ट और यू विल फेल, लेकिन अगर उस टास्क को डिवाइड कर दिया जाए क्लासेस में तो ये इजी होगा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी, बिकॉज आप डिवाइड कर रहे हो टास्क को। सेकेंड एडवांटेज है
मॉड्यूल्स कैन डिवेलप इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। मॉड्यूल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट, आप उन पर काम करते हो, कोई एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता तो फेल होने के चांसेस भी कम होते हैं। इसका डिसएडवांटेज भी है, एफिशिएंसी पे फर्क आ जाता है। कैसे? क्योंकि आप मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हो तो एफिशिएंट इतना नहीं होगा। सो वी कंक्लूड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम डोंट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। जज़ाकअल्लाह।